हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूं जेबी, आप लोग देख रहे हो बॉस ऑफ 24 गेमिंग चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम खेलने वाले स्कूल बॉय रनवे भाई, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस गेम का बहुत ही ज़्यादा लोग इस गेम को प्ले कर रहे हैं, तो आज हम भी खेलने वाले इस गेम को। और इस गेम को इससे पहले भी मैं खेला था प्रैक्टिस मोड के अंदर, तो आज हम खेलने वाले इजी मोड के अंदर। भाई नॉर्मल या हार्ड के अंदर अभी नहीं जाने वाले, पहले हम इजी मोड के अंदर खेल के देखते हैं भाई कितना ज़्यादा हार्ड होता है भाई। यहाँ पर प्रैक्टिस मोड के अंदर तो पता नहीं चलता हार्ड है कि इजी है, बस कौन सा चीज़ कहाँ पर रखा है, कैसे कैसे करना है, ये देखने के लिए ही पहली बार मैं खेला था। बट आज देखते सब कुछ मुझे पता है कैसे कैसे क्या करना है। तो चलो, इसका स्टोरी एक है कि मैं यहाँ पर गेम कर खेल रहा था, बट मेरे दोस्त ने यहाँ पर मुझे खेलने के लिए बुला लिया। बट मैं जैसे ही मम्मी से पूछने गया तो मम्मी क्या बोला कि आपका होमवर्क हो गया, तो होमवर्क सबसे पहले दिखो, अगर होमवर्क हो गया तो भी मैं जाने दूंगा। बट होमवर्क जैसे ही मैं दिखा, मेरा होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, तो मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा। और उसके बाद बोला कि अभी जाओ रूम में पढ़ाई करो, आज आपको खेलने नहीं जाना है। और मेरा दोस्त को भी ऐसे भागा दिया और मेरे रूम के अंदर मुझे आके बोल के गया कि इस रूम के अंदर ही रहना और पढ़ाई करना, इस रूम से बाहर अगर निकला मैंने देख लिया तो बहुत ज़्यादा मारूंगा। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, बट मुझे तो यहाँ पर खेलने जाना है कुछ भी करके, मैं हूँ बिगड़ल बच्चे भाई साहब। तो चलो देखते हैं हमें इस घर से भागने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, खुद के घर से भागने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं, सबसे पहले अभी तो मेरा रूम के अंदर सबसे पहले देख लेते हो कि क्या क्या चीज़ मुझे मिल सकता है भाई। यहाँ पर 2-3 ड्रॉअर वगैरह है, तो इधर से ओके एक टॉर्च लाइट है जिसके पीछे से मुझे 2 बैटरी मिल जाएगा जिससे हम रेडियो में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 2 बैटरी मैंने इस लाइट से ले लिया, और जो भी चीज़ जहाँ से मुझे लेना है सही से उसी जगह पर रखना है, और कुछ भी चीज़ को मुझे खोल के नहीं रखना है, जो चीज़ जैसे था उस चीज़ को ऐसे ही रख देना है, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा और मुझे पकड़ के मारेगा भाई। तो चलो अभी मुझे एक लाइट्स भी मिल चुका है जो कि मेरा काम का चीज़ है। तो एक तो लाइट्स मिल चुका है, 2 बैटरी मिल चुका है, अभी तक तो मुझे मेरा रूम के अंदर से यही चीज़ मिला है। तो चलो तो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कौन सा चीज़ कहाँ से मिलता है भाई अभी। और साउंड वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, अगर साउंड कर देंगे ज़्यादा तो मम्मी को पता चल जाएगा। सबसे पहले ऐसे लाइट्स ऑन कर देते हैं टॉयलेट्स का। ओके भाई टॉयलेट्स के अंदर आ चुका है, और अभी इसके अंदर देखते हैं भाई क्या चीज़ है। इधर के साइड कुछ भी सामान नहीं है मेरा काम का, और इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर डस्टबिन है। ओके डस्टबिन के अंदर भी मेरा काम का कोई भी चीज़ आई थिंक नहीं है भाई इधर के साइड भी। और इधर एक भाई साहब इधर एक बैटरी पड़ा हुआ है, बट इस जाली के अंदर, जाली को सबसे पहले हटाना है, इसके लिए मुझे चाहिए स्क्रू ड्राइवर। और इधर के साइड से हमें क्या मिलता है देखते हैं, इधर के साइड से तो हमें कुछ भी नहीं मिला भाई। तो टॉयलेट के अंदर से मुझे खास तो कुछ भी नहीं मिला, खास क्या भाई कुछ भी नहीं मिला। एक ये पर लाठी टाइप के जिसके माथे पे ये पर एक लकड़ी है जो कि हम स्क्रू ड्राइवर मिलने के बाद इसको खोल सकते हैं, जो कि हम अगर रूट स्किप करने चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें काम आएगा। और आज तो पहली बार ही खेल रहा हूँ मैं इजी मोड के अंदर, हालांकि तो हमें जो भी स्किप हो सकते जो भी सामान पहले मिल जाएगा वो वाला स्किप कर लूँगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि डोर स्किप करना है या रूफ स्किप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। तो अगर आप चाहते हो देखना कि मैं डोर स्किप करूँ या रूफ स्किप करूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं वो वाला स्किप कर लूँगा। और कौन सा मोड के अंदर इजी हार्ड या नॉर्मल, कौन सा मोड के अंदर, आज तो ये पर इजी मोड के अंदर पहली बार ही खेलो, तो देखते हैं आज क्या होता है भाई। आज का गेम प्ले के अंदर हम स्किप कर पाते हैं कि मेरे दोस्त के साथ खेलने जा पाता हूँ कि नहीं भाई साहब। और अभी तो मैं आके भाई सीधी बच्चे के तरह यहाँ पर बैठ चुका पढ़ाई करने, बट अभी आई थिंक मम्मी गया बाहर, ओहो पापा गया था बाथरूम, इसी चक्कर में मैं आया था इधर के साइड ढूंढने, बट पापा को पता चल चुका है, तो अभी मुझे छुपना पड़ेगा भाई। छुप तो गया हो भाई अभी, बट मम्मी एंड पापा दोनों को पता चल चुका है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, घर में घूम रहा हूँ। तो दोनों मिल के मुझे ढूंढने के लिए निकले भाई रूम के अंदर, चारों तरफ मुझे ढूंढ रहे। अगर मुझे अगर पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने वाला है मुझे, तो मैं यहाँ पर छुप के रहता हूँ। बट
मुझे तो पकड़ ही लेंगे आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप छूट जाओगे तो लोग ढूंढ नहीं पाएगा तो आपको छोड़ देंगे, आपको ढूंढ के ही रहेगा वो लोग। अगर आपके आपको देख लिया या कुछ भी गलती आप लोगों ने कर दिया, मतलब कुछ भी अगर आपने जैसा था उससे कुछ गड़बड़ करके रख दिया, तो आपको ढूंढेगा ही कुछ भी करके और आपको पनिशमेंट करने वाले। तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसलिए ये वाला गेम, बट नॉर्मल के अंदर नॉर्मल नहीं, प्रैक्टिस के अंदर तो आपको वही देखो भाई पकड़ लिया भाई, पापा ने मुझे ढूंढ ढूंढ के निकल लिया और अभी ये पर पनिशमेंट किया है कि मुझे घर के चारों तरफ भाई दौड़ लगाना है भाई। 3 बार आई थिंक मुझे ये पर घर के चारों तरफ ये पर दौड़ने के लिए बोला गया है भाई साहब। भाई ये कैसे सजा दे दिया भाई, मुझे यहाँ पर रनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे यहाँ पर रनिंग करना पड़ेगा घर के चारों तरफ। भाई इस घर के अंदर जा भी नहीं सकता भाई मैं, तो क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है, मुझे बस अभी तो पनिशमेंट को भोग करना पड़ेगा भाई। और इधर के साइड एक लकड़ी का टुकड़ा भी पड़ा है जो कि हमें भाई पापा बोल रहे कमन फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी भागने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो एक बार तो हमने कर दिया है और अभी भी 2 बार मुझे भागना पड़ेगा घर के चारों तरफ भाई साहब। तो बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दिया है भाई मुझे। और ये क्या कर रहा है इधर के साइड घर के कोने में, ये सब कौन करता है भाई साहब? भाई साहब नहीं पा पाया मेरा अभी तो गेम के अंदर, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। वो बच के नहीं भाई, फटाफट से मुझे भाग के इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे छोड़ने वाले, तो फिर मैं और कुछ कर पाऊँगा। तो मुझे अभी तक ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला है भाई साहब। ओके तो मुझे जो पनिशमेंट दिया गया था कि घर के चारों तरफ 3 बार भागना है, वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फिर से इसी रूम के अंदर मुझे पढ़ने के लिए दिया गया, तो अभी बाहर चलते फिर से, क्योंकि मम्मी पापा अपने काम पे लग गया है, तो फिर से हम बाहर चलते भाई। दरवाजा पे अटक गया ना, और इस बार इधर के साइड तो फुटबॉल मैच देख रहा है पापा, जो कि फुटबॉल का बहुत ज़्यादा फैन है। तो अभी मैं चुपके से अंदर आ चुका और इस रूम को अच्छे से तलाशना पड़ेगा, देखते इस रूम के अंदर से मुझे कौन सा सामान मिलता है, क्या क्या सामान मिलता है भाई, कोई काम का सामान मिलता है कि नहीं भाई। दो तीन इधर क्या पड़ा हुआ है भाई काट पे, कोई भी देखेगा नहीं भाई उधर के साइड, किसने कुछ भी नहीं देखा भाई उधर के साइड, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। फ़ोन के अंदर मैसेज आ चुका है भाई साहब, वो लाइट 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 लाइट, अरे लाइट फटाफट बंद करो, छुपो छुप 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 छुप। अरे भाई देख लिया देख लिया देख लिया भाई, गलती गलती भाई, उठक बैठक लगाना पड़ेगा 20 भाई, क्या पनिशमेंट दे दिया फिर से, 20 उठक बैठक लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर हमें 3 लाइफ मिलता है, 2 लाइफ तो मैंने ख़त्म कर दिया, पहले एक दौड़ लगाना था, इस बार उठक बैठक दिया है, और इसके बाद अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल ख़त्म कर देगा, टाटा भाई भाई। उसके बाद मुझे कोई भी चांस नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे लॉक कर देगा रूम के अंदर भाई, और मैं नहीं जा पाऊँगा दोस्त के साथ खेलने, और दोस्त उधर वेट करते रह जाएगा। तो मुझे मेरा जो पनिशमेंट था 20 बार उठक बैठक लगाना है, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, और मेरे पास अभी 1 ही डेज बचा हुआ है। तो बच के अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मुझे काम करना पड़ेगा, देखते क्या होता है भाई, मेरा किस्मत में क्या लिखा है अभी देखते भाई। इधर तो कुछ भी नहीं है भाई, डोर पूरा खाली पड़ा हुआ है, इधर पिन टाइप कुछ मिला था जिससे इसको भी ओपन कर दिया, बट इधर कुछ भी नहीं है, और अभी इसको बंद कर देते, देखते इधर क्या है, क्योंकि इधर कुछ कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, इधर भी कपड़ा है, इधर कुछ भी नहीं है, और सामने की तरफ इधर भी 2 ड्रॉअर है। इस बार मैंने लाइट्स नहीं ऑन किया भाई, इधर के साइड कुछ खतरनाक खतरनाक चीज़ पड़ा हुआ है जो कि आपको लाइट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको देख पाते भाई। पूरे दिन ऐसे चिल्लाते रहता है, कैसे पढ़ूंगा मैं ऐसे ही चिल्लाएगा, तो इसको नीचे गिराते बहुत तेज़ भाई साउंड होगा, चाबी गिरेगा तो फटाफट गिराओ गिराओ गिराओ, गिरा दिया भाई, चलो फटाफट से उठाना पड़ेगा भाई, मिल ही नहीं रहा है ये तो अंधेरे में। ओके ओके लगा दो लगा दो लगा दो, लगा दिया भाई, भागो भागो, छुप जाते हैं भाई, देख लिया। और उसके ऊपर से मैंने चाबी उधर फेंक के आया था,
तो उससे भी पता चल चुका है, और आते टाइम भी मुझे देख लिया था, तो मेरा तो अभी खैर नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाले मुझे। देखते हैं अभी पकड़ पाते हैं कि नहीं। मैं तो इधर की साइड हूँ अभी, कोई भी हलचल नहीं हो रहा बाहर, तो क्या हो रहा पता नहीं, बट मुझे मार पड़ने वाला है अभी बहुत तेज, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है अभी। फिर भी देखते हैं भाई, अंदर है अंदर है इसके अंदर, तो छुप के बैठो, कुछ भी बाहर का पता नहीं चल रहा है। ओ लो पकड़ लिया भाई, और अभी बेल्ट से भाई मुझे मार रहा है भाई, खेलने जाना तो दूर की बात, अभी मार पड़ रहा है। तो चलो आज तो यहाँ पर इजी के अंदर भी खेला तो, बट फिर भी मैंने स्केप नहीं कर पाता, बट इससे नेक्स्ट वाला जो गेम होगा उसके अंदर 101% मैं स्केप करने वाला हूँ, ग्रेट स्केप या रूप।